बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने पढ़ लिया था, और उसका जितना मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो सकता है वो सारा करा दिया, मतलब मैक्सिमम जो इजी लेवल और टफ लेवल दोनों लेवल हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में पूरे पूरे करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन में बस एडजस्टमेंट समझा के निकल जाऊंगा आज, ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझा दूंगा, बाकी पूरा आप कर लेना बाद में बैठ के अपने आप। स्टार्ट करते हैं, मेरे वाले नोट्स में जो है, जो मैंने नोट भेजा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें से करते हैं पहले। इसमें निकालो आप, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था, 4 आप कर लेना बाद में अपने आप, 4 अच्छा क्वेश्चन है, कर जरूर लेना इसको, डाउट जरूर आएगा इसमें। 5th पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन भी अभी, क्वेश्चन 4 जो आपने बोला वो नोट से करना है, नोट से मतलब वो जो आप बोल रहे थे कि उसमें डाउट आएगा, वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पिछला वाला, ये वाला नोट्स का ना, ठीक है, हाँ हाँ ये वाला जो मेरा नोट है ना, इसमें डाउट क्या आएगा इसमें बता ही देता हूँ मैं। प्राइवेट परचेज जो है वो आपका रॉन्गली परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया है, तो परचेज में से माइनस कर लेना, है ना, और ये ड्राइंग से हमारा तो कैपिटल से माइनस कर लेना, ठीक है। एक ये वाला 4th एडजस्टमेंट है, आ न्यू साइन बोर्ड 4000 रुपए का इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग, एक नया साइन बोर्ड था 4000 का, वो एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड हो गया, तो बताओ इसका क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग में से हटा देंगे? बट साइन बोर्ड आएगा नहीं एडवर्टाइजिंग में? नहीं नहीं साइन बोर्ड एडवर्टाइजिंग में नहीं आएगा ना, देखो मैं बताता हूँ, न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4000 इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग में से माइनस हो जाएगा, साइन बोर्ड हमारा एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। अब ये एसेट अच्छा। किस में जाएगा ये देखना पड़ेगा इसमें, तो देखो इसमें क्या आपको फर्नीचर दे रखा है, हाँ, तो आप एक काम करना, फर्नीचर दिया हुआ है, लेकिन ना आप एक हेड और बना लेना फिक्स्चर का, फिक्स्चर फर्नीचर एंड फिक्स्चर होता है ना, तो फिक्स्चर का एक कॉलम बना लेना, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग, या फिटिंग्स का बना लेना, फिटिंग्स का पार्ट होता है, ठीक है ना, फिक्स्चर एंड फिटिंग्स का पार्ट होता है, तो इसको भी आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 4000 को भी 10% से, और फर्नीचर जो अंदर है उसको भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो या तो हमारी मर्जी है हम 16 प्लस 4 एक बार डेप्रिशिएट कर लें, या 16 अलग लिखें, 4 अलग लिखें, अलग लिखें, ठीक है, बस ये ठीक। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, ज़ूम कर लूं थोड़ा सा, ये ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम कुमार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31st मार्च 2013 को बनाना है, एंड आगे कह रहे हैं बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट बनानी है, सॉरी उस डेट पे, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर 6% लोन, ये ध्यान रखना ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है, ये 6% लोन आपका इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होता है, मतलब इम्प्लाइड का मतलब आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं होगी कुछ एडजस्टमेंट, हमें अंदर गिवन होंगी, तो ये हम देख लेंगे क्या करना है। 6% लोन कितना है 10,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर चुके हैं 300, क्लियर, अगर हम इस 6% पे पूरे साल का कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, तो कितना होना चाहिए 10,000 पे 600 होना चाहिए, हम पे कितना कर चुके हैं 300, इसका मतलब 300 में और पे करना, अभी हम डेट देख लेंगे, क्या पता लोन की डेट गिवन हो नीचे, कभी कभी क्या होगा लोन हमने कब एक्वायर कब लिया है लोन उसकी डेट भी दी होगी, पहले नीचे पढ़ लेते हैं, कैश गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाला मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, कि पिछले साल हमने ये प्रोविजन क्रिएट करा होगा वो अगले साल ट्रांसफर हो जाता है, जैसे आप करंट ईयर में जो प्रोविजन मेंटेन करते हो ना वो नेक्स्ट ईयर में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पहुंच जाता है, ये आपका ओल्ड प्रोविजन। फिर वेजेस है, स्टॉक ओपनिंग है, कंप्यूटर, बैंक, फर्नीचर, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, रेंट, बैड डेट, परचेज एंड सेल्स, रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, BRBP, सारे अमाउंट गिवन है, कुछ मिस तो नहीं है, कमीशन। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड कंप्यूटर बाय 10%, तो हम एक काम करते हैं
फर्नीचर पे एडजस्टमेंट करनी है और कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट करनी है, हम यहाँ टिक मार्क कर लेते हैं एक बार। फिर आप आ जाओगे नीचे इंश्योरेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग बाय रुपीज 1200, इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट करनी है और सैलरी पे एडजस्टमेंट करनी है, ये सैलरी। फिर आप आ जाओगे वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट करनी है, ये रहा वेजेस। फिर आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डेटर, ये डेटर को इफेक्ट करता है, तो डेटर ये रहा आपका, ये डेटर इधर, और प्रोविजन पे भी टिक कर लेना, इसको भी इफेक्ट करेगा ये। फिर आपका है स्टॉक, ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो क्लोथिंग स्टॉक है, ठीक है। तो जहां जहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको टिक मार्क कर लिया, बस फॉर्मेट बना दो, बनाओ फॉर्मेट ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट पूरे पेज पे बना लेते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का। बैलेंस शीट का भी बना लेते हैं फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। Asset side, rupees, liability, करें स्टार्ट करते हैं शुरू। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ दो चार एंट्रियां ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम क्वेश्चन में से देख के, ये स्टॉक 1/4/2012 का हमें दे रखा है, एक मिनट, 16,700, ये 16,700 ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक 16,700। इसके बाद परचेज एंड सेल्स दे रखा है, परचेज है 60,000 और सेल्स है 116,000, और जो रिटर्न है आपका, ये रिटर्न ये वाला होगा परचेज रिटर्न, ये वाला होगा सेल्स रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो परचेज 60,000 में से 1,000 माइनस कर लो, टू परचेज, परचेज का बैलेंस है 60,000, माइनस कर लेते हैं रिटर्न 1,000, 59,000, और यहां लिख लेते हैं सेल्स 1,00,000। इसमें एक और चीज नहीं आएगी, प्राइवेट परचेज वाला, वो तो पिछला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था। रिटर्न 2,000, 1,14,000। इसके बाद एक चीज और लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही आएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक ये सबसे लास्ट में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 19,400, और क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में भी लिख लेते हैं, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड
क्लोजिंग स्टॉक 19,400 इतना कर लेने के बाद अब मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे सैलरी वाली एडजस्टमेंट्स पहले छोड़ देते हैं हम वेजेस वाली कर लेते हैं पहले वेजेस पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं तो वेजेस पे आपका यहाँ लिखा हुआ है वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 2013 ठीक है और हमें मार्च तक का बनाना है अकाउंट 31 मार्च 2013 तक का तो देखते हैं जरा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस पहले तो ट्रायल बैलेंस में से इनका अमाउंट लिख लेंगे देख के तो वेजेस का अमाउंट जो है वो 6,000 रुपए है और ये जो 6,000 रुपए है ये आपका ज्यादा पे हो रखा है तो इसमें से आप प्रीपेड माइनस कर लोगे ध्यान से समझना है यहाँ पे बहुत केयरफुली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 6,000 जो हमने पे कर रखा है ये हमने अप टू 30 जून 2013 तक का जबकि हमें मार्च तक का पे करना था तो ये 15 मंथ का हमने पे कर रखा है तो 15 से डिवाइड करेंगे 1 मंथ का आ जाएगा और 3 मंथ का एडवांस पे कर रखा है हमने तो ये एडवांस कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा ये होगा 1200 हमने एडवांस पे कर रखा है तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये 4800 हो जाएगा ठीक है एक काम करता हूं मैं इनमें से ना एक्सपेंस ढूंढ के लिख देता हूं पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं तो कैरिज इनवर्ड मुझे दिखाई दे गया है इसमें तो कैरिज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैरिज इनवर्ड का अमाउंट है 5,000 अलाइनमेंट ठीक से देखने पड़ेंगे हाँ कैरिज इनवर्ड है 5,000 इसके बाद और कुछ नहीं है तो ट्रेडिंग का आंसर बता दो मुझे फटाफट कितना आया टोटल कर लो ये वाली साइड ज्यादा है शायद हाँ ये वाली ज्यादा है तो ये आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट टोटल करते हैं फटाफट 1,14,000 + 19,400 = 1,33,400 मेरा आ रहा है 47,900 ठीक है बिल्कुल ये आंसर है 47,900 ठीक है 47,900 यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट 47,900 अब आते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 47,900 सबसे पहले सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो सैलरी को कर लेते हैं पहले सैलरी का अमाउंट ये रहा कितना है ये 12,000 सैलरी का अमाउंट है 12,000 रुपए तो 12,000 सैलरी प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी 1200 तो ये 13,200 अच्छा हम भूल जाएंगे बाद में साथ साथ में लिखते जाते हैं हमने वेजेस का भी नहीं लिखा और सैलरी का भी बैलेंस शीट में लिख लेते हैं पहले तो जो वेजेस प्रीपेड है वो तो एसेट है हमारा प्रीपेड वेजेस ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना आया था ये 1200 और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 1200 ये पोस्टिंग कर दी हमने इधर साथ में इसके बाद आगे बढ़ते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमारा डेप्रिसिएशन वाला भी कर लेते हैं ये लो एडजस्टमेंट आपको फर्नीचर को 5% से कंप्यूटर को 10% से डेप्रिशिएट करना है बैलेंस शीट में आ जाते हैं फर्नीचर की वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन में से देख के क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू है 20,000 आई थिंक हाँ 20,000 है 20,000 को डेप्रिशिएट करना है डेप्रिसिएशन लगाना है इस पे 5% 1,000 तो ये 19,000 नेट वेल्थ सेम ऐसे ही कंप्यूटर के लिए
कंप्यूटर की वैल्यू क्वेश्चन में है 10,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, ये भी 1,000, ये 9,000, ये दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 1,000। अभी एक दो एडजस्टमेंट्स बची हैं खाली, हमने डेप्रिसिएशन की कर ली, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस वाली कर ली, क्लोजिंग स्टॉक कर दी, अब ये बस फिफ्थ नंबर वाली और थर्ड नंबर वाली बची। थर्ड नंबर वाली बहुत ध्यान से देखनी है, थर्ड नंबर वाली बहुत केयरफुली देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग, अगर ये लाइन ना भी लिखी हो फॉर द ईयर एंडिंग, अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता अप टू 30 जून, चाहे क्वेश्चन में अप टू 30 जून लिखा हो, जैसे यहाँ पे अप टू 30 जून लिखा था ना वेजेस के केस में, तो हमने 15 से डिवाइड करा था, अगर यहाँ पे भी अप टू 30 जून लिखा होता तो हम इसको 15 से डिवाइड नहीं करते। इंश्योरेंस जनरली 12 मंथ के लिए पे होता है, ये बात याद रखना, हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री में भी करा होगा कभी, तो इंश्योरेंस हमेशा जनरली 12 मंथ के लिए होगा, चाहे वो फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हो क्वेश्चन या अप टू लिखा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 12 मंथ का ही होता है ऑन एवरेज। तो इंश्योरेंस के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस 2,000 है, इसमें से जब हम प्रीपेड को हटाएंगे तो हम 2,000 को 15 से डिवाइड ना करके 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 महीने का एडवांस, मतलब हमें 9 महीने का देना था, हमने 12 महीने का दे दिया। 2,000 डिवाइडेड बाई 12 इनटू में 3, ये 499.99 आ रहा है, तो 500 ले लेंगे, ये 1500 हो जाएगा और 500 आपका एसेट साइड में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये समझ आ गया ना इंश्योरेंस का, ये जनरली 12 मंथ के लिए ही होता है, ठीक है, समझ तो बस ये इंश्योरेंस वाले में गलती हो जाती है बच्चों से कई बार, ज्यादा 15 से डिवाइड करके आ जाते हैं। अब हमें रह गया है सिर्फ एक और प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट, तो प्रोविजन के लिए हम पहले बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में हम पहले लिख लेते हैं डेटर्स का अमाउंट। डेटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो क्वेश्चन में डेटर एंड क्रेडिटर एक साथ दिया हुआ था कहीं, ये रहा, तो ये 24,000 रुपए डेटर है, 24,000 के डेटर है। क्वेश्चन में देखो क्या ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई बैड डेट है, नहीं है, क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड, अगर अंदर होता भी तो उससे हाँ है बैड डेट, इससे हमें मतलब नहीं, हमें तो ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले से मतलब होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई बैड डेट है नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर सिर्फ प्रोविजन है, तो आप डायरेक्ट प्रोविजन मेंटेन कर लो, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये 24,000 का 5% 1200 हो जाएगा, 22,800। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने का क्या मतलब है, पुराना बैड डेट कितना है, ये रहा 600 और नया प्रोविजन है 1200, तो ये 1800 हो गया और पुराना प्रोविजन कितना है 1000, तो पुराना वाला कम पड़ रहा है, पुराना वाला कम पड़ रहा है, इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रीटमेंट, इसका मतलब ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, किस तरह से होगी, टू बैड डेट 600 प्लस न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन 1200 माइनस ओल्ड प्रोविजन 1800। देखो इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, मैंने वैसे पिछली क्लास में समझा दिया था, इसका ये मतलब होता है कि हमारा पहले से बैड डेट हो रखा है 600 का, इसको हमने अपना लॉस मान रखा है, फिर हमने एक नया प्रोविजन और मेंटेन करना है, हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में हमें 1200 रुपए का लॉस हो सकता है, तो हमने 1200 रुपए और मेंटेन करे, ठीक है, 5% हमें मेंटेन करना है, टोटल 1800 है, जिसमें से 1000 रुपए मेरे पास पहले से ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये 1000 जब मेरे पास पहले से बना हुआ है तो आप इस 1000 को ले लो और रिमेनिंग 800 रुपए का नया प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो अब ये वाला जो प्रोविजन आपने यहाँ पे दिखाया है, ये अगले साल फिर दोबारा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट ईयर 2014 में,
बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये ओल्ड प्रोविजन के नाम पे आ जाए, ठीक है। बस ये एडजस्टमेंट्स हो गई सारी, एडजस्टमेंट हो गई सारी, बस अब क्या करना है, बिना एडजस्टमेंट्स वाली जितनी भी एंट्रियां हैं उनको लिखना है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी कॉपी कर देते हैं फटाफट, देख देख के ऊपर से करते आते हैं। वैसे तरीका तो ये होता है कि जो जिसकी एंट्री है वहां डाल देना, मेरे को बार बार कॉपी घुमानी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले पी एंड एल अकाउंट की कर देता हूँ। अच्छा, एक एडजस्टमेंट रहेगा इम्प्लाइड, देखो लोन वाला था, 6% लोन वाला, इसकी अगर डेट नीचे गिवन होती तो डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते कब लोन लिया है। डेट नहीं गिवन है तो मतलब पूरे साल का आपका बनना चाहिए 600 रुपए, लेकिन पे हुआ है 300 रुपए। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे 300 लिखना आप और ऐड कर लेना आउटस्टैंडिंग, कितना 300। ये कैसे हुआ ये कैलकुलेट करके दिखा देना यहीं पे या वर्किंग नोट। तो ये 600, जितना इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ है, बाद में पे होगा, तो ये क्या है हमारा लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। या तो आप इसको अलग से लिख दो या आप इसको लोन में ही प्लस करके दिखा देना, 300 और यहाँ पे 6% लोन भी लिख लेते हैं ये लोग, 10,000। ये लोन वाला भी हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन और उसका 6%। अब जब बैलेंस शीट आ गई है तो पहले बैलेंस शीट की एंट्री लिख लेते हैं। कैपिटल है आपका, उसके बाद ड्रॉइंग्स है, फिर क्रेडिटर्स है। पहले लाइबिलिटी लिख लेते हैं सारी, क्रेडिटर्स यहाँ लिख लेते हैं ये लोग, क्रेडिटर्स हैं हमारे 16,000। क्रेडिटर 6% लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, कैश आपका एसेट्स होता है, कैश आप यहाँ लिख लो 3,000। कैश के बाद प्रोविजन हो गया, वेजेस हो गया, स्टॉक हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैंक हमारा एसेट्स होता है, बैंक आपने लिख लिया यहाँ पे कितना है ये 7,500। फिर आपका फर्नीचर हो गया, कैरिज आउटवर्ड पीएनएल में लिखेंगे, कैरिज इनवर्ड हो गया, सैलरी हो गया, रेंट पीएनएल में लिखेंगे, बैड डेट हो गया, परचेज सेल हो गया, रिटर्न हो गया, एडवर्टाइजिंग पीएनएल में जाएगा, डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में हो गया, बीआरबीपी, बीआर 10,000 और बिल्स पेबल 8,000। कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ से एंट्री में पढ़ रहा था मैं जो बैलेंस शीट वाली थी। अच्छा, कैपिटल भी कर लेते हैं, कैपिटल भी कर लेते हैं। कैपिटल का जो बैलेंस है ये है आपका 50,000, इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर लेना, ड्रॉइंग 10,000 और इसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आएगा वो एड लेस कर लेंगे, छोड़ देते हैं एक लाइन। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आ पाएगा, जगह बहुत कम है, देखते हैं कोशिश करते हैं क्या क्या लिखना है, पहले ये चेक कर लेते हैं। प्रोविजन, वेजेस, स्टॉक, कंप्यूटर, बैंक, फर्नीचर, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड लिखना है 4,500। कैरिज आउटवर्ड के बाद रेंट, ये यहां से चल रहा है सब कुछ, कैरिज आउटवर्ड आ गया, उसके बाद रेंट कितना है 8,000। रेंट के बाद बैड डेट हो गया, परचेज सेल हो गया, रिटर्न हो गया, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का अमाउंट है 4,500। डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट 2,600। इसके बाद इंश्योरेंस हो गया, बीआरबीपी हो गया, कमीशन का भी क्रेडिट बैलेंस है, ये लो आ गया यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग का कितना था सर अमाउंट? एडवर्टाइजिंग का था 4,500, कमीशन का 1,500, डिस्काउंट का 2,600, एडवर्टाइजिंग का ये रहा 4,500। बस अब यहाँ पे टोटल कर लें और नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल दें।
16,900 है क्या नेट प्रॉफिट? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ 16,900, ठीक है. टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 16,900. इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लाके ऐड कर लेंगे. तो ये ड्राइंग्स होगा माइनस, तो 40,000 बच जाएगा. ये 40,000 प्लस 16,900 56,900, दोनों साइड को टोटल कर लेंगे, इक्वल आ जाएगी. बैलेंस शीट का टोटल है 92,400, एक साइड का, दूसरे साइड का भी 92,400. एक वर्किंग नोट यहाँ दिखा देंगे छोटा सा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला यहाँ पे दिखा देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन जो ड्यू होगा आपका वो 10,000 का 6% के हिसाब से होगा. 600 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, जो पे हो गया है वो 300. तो इसका मतलब 300 इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग हो गया. ठीक है, काम करता हूँ मैं अगले वाले क्वेश्चन का. इंफॉर्मेशन वाले कर लेते हैं खाली, एडिशनल इंफॉर्मेशन का. फिर एक क्वेश्चन हम कर लेंगे प्रैक्टिस, थोड़ी देर में जल्दी छोड़ना है ना, 5 मिनट. क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट, एज ऑन 31st मार्च 2002, इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करना है हमें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करना है. एडिशनल कैपिटल लगाया है इन्होंने 1 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. 10,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है. प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है. सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500, ये भी हो जाएगा. एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये भी हो जाएगा इंटरेस्ट में प्लस. और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 500 रुपए का फर्दर बैड डेट है डेटर में से माइनस, उसके बाद बचे हुए अमाउंट पे 5% प्रोविजन बन जाएगा, ये भी हो जाएगा. तो सब जो मेन है बस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है खाली.
और ट्रेडिंग अकाउंट की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं पहले, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक काम करता हूँ, मैं जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मान लो इतने में आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा रूम, ये आपका कितनी एंट्री है चेक कर लें एक बार, परचेज होगा, कैरेज इन्वर्ट दो, वेजेस तीन, तीन के बाद आपका और बस तीन एंट्री इधर होंगी और दो एंट्री उधर होंगी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की, तो तीन एंट्री इधर होंगी और ये मान लो यहाँ तक आ जाएगा आपका, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कर लेते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। अब सवाल उठता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे, आपको अंदर जो कैपिटल दिया हुआ है ये 40,000 रुपए दिया हुआ है और एडिशनल कैपिटल जो लगाया है वो 10,000, तो स्टार्टिंग में भी दिया होगा। देखो जरूर ये कह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करा है 30,000 के कैपिटल, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 के कैपिटल पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, ये 6% और प्लस एडिशनल जो कैपिटल है 10,000 उस पे 6% होगा इनटू कितने मंथ के लिए, अक्टूबर में लगाया है तो अक्टूबर से आई थिंक 6 मंथ होंगे, अगर ये यहाँ पे बेकार लगे तो वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं ना, थोड़ा बेकार सा लग रहा है जगह का। तो ये 30,000 पे तो पूरे साल का और 10,000 पे आपका 6% 6 मंथ का, 300 और 30,000 पे पूरा निकालोगे तो 1,800 ना, तो 2,100 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ये अमाउंट यहाँ पे ऐसे 2,100। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में से क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होगा कैपिटल में, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी तो हो जाएगा, बाकी कर लेते हैं सारी एडजस्टमेंट। एक काम करते हैं, प्लांट एंड फिक्चर्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फिक्चर्स, तो प्लांट एंड फिक्चर्स की वैल्यू है इसमें प्लांट एंड मशीनरी की 8,000, 8,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 800 हो जाएगा। फिक्चर्स भी दे रखा है इसमें कहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500, टू आउटस्टैंड सॉरी पहले तो टू सैलरी, अभी बैलेंस शीट में एक साथ लिख लेंगे बाद में, टू सैलरी आज टाइम लिमिट नहीं दिखाई ना, नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया आज, चलो देखते हैं। सैलरी 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 है हमारा 10,000, इसमें ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, ये 10,500 हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी लिख देंगे बैलेंस शीट में बाद में अगले पेज पे जब जाएंगे। फिर आपका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढ लो पहले, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे क्रेडिट साइड में, एक लाइन ऊपर छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट 750। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले से होता तो उसमें ऐड कर लेते, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 750। फिर तो आपका बैड डेट नहीं, इसमें नहीं है क्वेश्चन में ना, ये देखो यहाँ पे भी कहीं नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है, फिर पीछे डेबिट बैलेंस है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं कोई। एक काम करते हैं, बस एक बचा है बैड डेट वाला, इनको लिख लेते हैं पहले, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 800, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 750, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। इसके बाद डेटर का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, डेटर का बैलेंस क्वेश्चन में से ढूंढेंगे, डेटर का बैलेंस है क्वेश्चन में 25,000, इसमें से पहले फर्दर बैड डेट माइनस हो जाएगा, 25,000 में से फर्दर बैड डेट माइनस हो जाएगा, फर्दर बैड डेट है 500, बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा 24,500, फिर इसमें माइनस हो जाएगा नया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
ये आपका 5%, तो 24,500 का 5% 1225, 23,275. अब आप इसको कंपेयर कर लो, क्या पुराना बैड डेट है क्वेश्चन में, देख लेते हैं पहले. पुराना बैड डेट क्वेश्चन में नहीं है, पुराना बैड डेट नहीं है. नया बैड डेट 500 और नया प्रोविजन 12 और 5 हो गए 1725, और पुराना प्रोविजन भी क्वेश्चन में नहीं है. तो ये डायरेक्ट एंट्री डेबिट साइड में ही आ जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा टू बैड डेट 500 प्लस न्यू प्रोविजन 1225. कुछ क्वेश्चन में मिसिंग क्यों लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है आधा अधूरा क्वेश्चन. ये भी हो गया, एडजस्टमेंट हो गई सारी, बस कैपिटल का भी कर लेते हैं, कैपिटल का कर लेते हैं. कैपिटल का जो बैलेंस है इस क्वेश्चन का, कैपिटल है आपका 40,000. इस 40,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर लेना 2100, और इसमें से ड्रॉइंग्स कर लेना माइनस. ड्रॉइंग्स है 4500, ये माइनस कर लेना, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा वो एड कर लेना. ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हो गई. बस इसके बाद आप देखो, मैं समझा देता हूँ किसको क्या क्या करना होगा. प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है हमारा, परचेज लिख लेना आप ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिज इनवर्ट लिख लेना, वेजेस लिख लेना, निकाल दें इसको. परचेज 1,16,000 है और कैरिज इनवर्ट 2,000 है और आपका वेजेस है 8,000. तो डेबिट साइड का टोटल 1,26,000, फिर सेल्स है आपका 1,60,000 माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक पीछे दिया होगा, स्टॉक आपका है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ 26,000. तो ये 26,000 और हटा दोगे तो, एक मिनट, सेल्स कितनी है, 1,60,000 है ना. सेल्स है 1,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 26,000. इसमें से माइनस करेंगे 1,16,000 परचेज, 2,000 कैरिज इनवर्ड और 8,000 वेजेस. 60,000 आया, बाकी 4,000 कहां से आएगा. अच्छा अच्छा रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, सॉरी हाँ ठीक है, ये रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, सेल्स में से माइनस हो जाएगा. तो सेल्स आपका 1,00,000, तो ये 4,000 और हो जाएगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 56,000 आ जाएगा. ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट एक बार निकल जाएगा, उसके बाद फिर सारी एंट्रियां कर लेना आप अपने आप. ठीक है, ये क्रेडिटर आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में लिख दोगे, इसके बाद ये सारी एंट्रियां कर लोगे, सैलरी लिख दोगे डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में. लेटर हो गया आपका, ये लिख देना बिल रिसीवेबल एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट एसेट में, डिस्काउंट डेबिट में, फिर ये एसेट में, ये दोनों. ठीक है, आ जाएगा ना. ठीक, एक सेवंथ क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना बाद में, अभी दोबारा ज्वाइन करो, मैं उसमें से बुक में से कराता हूँ क्वेश्चन. ठीक.